छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जातिगत ध्रुवीकरण की कोशिशें अब तक कारगर साबित नहीं हुई है। पिछले चार चुनावों में कोई भी राजनीतिक दल यह दावा करने की स्थिति में नहीं रहा कि जाति के आधार पर मतदान में उन्हें फायदा हुआ है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि आरक्षण के साथ ही साथ जनजाति समाज की विभिन्न समस्याएं, संवैधानिक अधिकार और क्षेत्र के विकास के मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। वहीं आदिवासी नेता व कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह का भी यह कहना है कि राजनीतिक दल आरक्षण का दावा खेलते जरूर हैं, मगर आदिवासी अपने अधिकारों को समझते हैं, उनके अपने मुद्दे हैं जो वह उठा सकते हैं, उन्हें भी फायदा होता है। जाति के ध्रुवीकरण की रणनीति उन्हें स्वीकार नहीं। बता दें कि साल 2012 में पूर्व भाजपा की डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 98% करके बड़ा दावा खेला था। इसके अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32%, अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण को 14% यथावत रखा था। इसके बाद भी साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एसटी की 29 सीट में से 11 सीटें मिल पाई थी, जबकि साल 2008 के चुनाव में 19 सीटें मिली थी। वहीं 2013 के चुनाव से पहले जिस एससी वर्ग का आरक्षण घटाया था उसके लिए आरक्षित 10 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। आपको बता दें कि विधानसभा में जो कांग्रेस ने रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास कराया है उसमें एससी वर्ग के लिए 12 की जगह 13%, एसटी 32%, वहीं ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। हालांकि यह बिल राजभवन में अभी पेंडिंग है। कांग्रेस के पास अभी एसटी वर्ग की 29 में से 27 सीटें हैं, जबकि भाजपा के पास मात्र 2 सीटें। इसी तरह एससी की 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर भाजपा और 1 पे बसपा के विधायक हैं। आपको साल 2018 के आंकड़े बता देते हैं। विधानसभा चुनाव साल 2018 में कांग्रेस ने एसटी के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 26 सीटों पर और भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं उपचुनाव के बाद कांग्रेस के पास 27 सीटें हो गई थी और भाजपा के पास 2 सीटें बची थी। इसके पहले 2013 के चुनाव में 29 में से 18 सीटों पर जीत के बाद भी कांग्रेस सत्ता से दूर थी, जबकि भाजपा ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2008 में भाजपा ने 29 सीटों में से 19 पर जीत हासिल कर सरकार बनाई थी और तब कांग्रेस को 10 सीटों पर ही जीत मिली थी।